स्वागत है आपका अमृता कुजीन में। और मैं आज बनाने जा रही हूँ, आप देख सकते हैं ये अरबी के पत्ते का जो डंठल है ना, इसका सब्जी बना रही हूँ। तो इसके लिए देख सकते हैं, डंठल को ली हूँ, इसको इस तरीके से काट के इस तरीके से छील लेना है। जिसे सहजन का नहीं आप छीलते हैं, उसी तरीके से इसका सारा छिलका हटा लेना है इस तरीके से। ऐसे छील दीजिए, देखिए पूरा छिला जाता है नीचे से ऊपर तक। हाँ, और इसे इस तरीके से काटिए और ऐसे इसका छिलका हटा दीजिए। इसका सब्जी बहुत ही टेस्टी बनता है, तो इसको एक बार जरूर ट्राई कीजिए। इस तरीके से छील दूंगी। देख सकते हैं, पूरा छिल चुका है। मैं इसका पीस काट ले रही हूँ इसी तरीके से। देखिए इधर इतना पकड़ी ना, इधर तक छिल जाएगा। फिर यहाँ से इस तरीके से छिल लीजिए, काफी आसानी से छिल जाता है, ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। तो इस तरीके से छिल लीजिए इस तरीके से। देख सकते हैं ये पूरा मैं छिल ली हूँ एक ही बार में। इसको ऐसे काट लीजिए इस तरीके से। इसी तरीके से मैं सारे डंठल को छील लूंगी। देख सकते हैं ये मैं अच्छे से काट के धो चुकी हूँ। इस तरीके से मैं काट के इसको अच्छे से दो तीन पानी धो दी हूँ। मैं गैस पे कढ़ाई को चढ़ा दी हूँ। इसमें मैं डालूंगी एक चम्मच तेल। देख सकते हैं मैं एक चम्मच तेल इसमें डाल रही हूँ। तेल इधर गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें डालूंगी कटे हुए अरबी के डंठल को। इसको हमें थोड़ा देर तक अच्छे से भूनना है। अभी मैं इसमें डालूंगी कटा हुआ एक मीडियम साइज का आलू, जिसे मैं काट ली हूँ और धोली हूँ अच्छे से। इसी के साथ इसको भी भून लेना है। अब ये हल्का भून चुका है, अब हमें इसे निकाल लेना है। मैं उसी कढ़ाई में डालूंगी फिर से डेढ़ चम्मच तेल। देख सकते हैं मैं डेढ़ चम्मच तेल डाली हूँ। अभी मैं इसमें डालूंगी जीरा, साबुत जीरा डाल देना है। जीरा ब्राउन हो जाएगा तब मैं इसमें डालूंगी तेज पत्ता और कटा हुआ दो हरा मिर्च। आप हरा मिर्च की जगह लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, तो मैं दो हरा मिर्च डाल रही हूँ। देख सकते हैं जीरा एकदम ब्राउन हो चुका है। अब इसमें मैं तेज पत्ता और हरा मिर्च डाल रही हूँ। अभी मैं इसमें डालूंगी दो मीडियम साइज का कटा हुआ प्याज। प्याज को भी अच्छे से भून लेना है। प्याज अच्छे से भून चुका है। अब मैं इसमें डालूंगी एक मीडियम साइज का कटा हुआ टमाटर, तो डाल लेंगे। हीट को एकदम लो कर दीजिए क्योंकि अभी हम इसमें मसाला डाल रहे हैं। मैं डाल रही हूँ आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच में धनिया पाउडर डाल रही हूँ। इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अभी मैं डाल रही हूँ इसमें गरम मसाला 1/4 चम्मच, क्रश किया हुआ लहसुन 5 से 6 कली था, पेस्ट भी डाल सकते हैं। इसको अच्छे से भूनना है। अब इसमें सारे सब्जी जो मैं भून के रखी थी ना, वो सारी इसमें डाल दूंगी। अभी मैं इसमें डालूंगी नमक 1/2 चम्मच,
आप अपने स्वाद के अनुसार नमक को डाल सकते हैं, कम या ज्यादा कर सकते हैं। इसको थोड़ी देर अच्छे से भून लूंगी। अब मैं इसमें पानी डाल दूंगी, पानी को डाल दूंगी। पानी मैं यहाँ 300 ml के करीब पानी डाली हूँ, देख सकते हैं इतना पानी डालना है सब्जी को अच्छे से पकने के लिए। अब इसको ढक के पका लूंगी। हमें मीडियम हीट पे सब्जी को पकाना है। अभी आप देख सकते हैं सब्जी बिल्कुल तैयार है। हमें थोड़ा ग्रेवी वाली सब्जी चाहिए, इसलिए थोड़ा ग्रेवी है। आपको अगर सूखा सब्जी से थोड़ा चाहिए, थोड़ा सूखा हुआ, तो थोड़ा और इसका पानी सूखा सकते हैं। आप देख सकते हैं हमारा सब्जी तैयार है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।